सामने बच्चे हैं। देखिए अभी मैं आपको मतलब एक पहली चीज तो ये कहूंगा कि दोनों में से कोई बच्चा नहीं है, दोनों बाप है। पहली चीज तो प्रविष्ट अनिरुद्ध वो तो गजब का परफॉर्मर है, मतलब उसमें मैं कुछ साल पहले के खुद को देखता हूं। वो आदमी जो है वो ऑब्जर्व करता रहता है, हर चीज देखता रहता है, सीखता रहता है। एक लाइन में बोलता हूं, वो वहां पे बैठ के कितनी बार ना मेरे क्लोजेस देखता रहता है और फिर पूछता है कि आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। उसके अंदर सीखने का जुनून है। वो जब मेरी उम्र तक पहुंचेगा सर, वो बहुत बड़ा स्टार होगा। वो कमाल नहीं, नहीं वो उस बंदे के अंदर सीखने का जुनून है। वो ढूंढना चाहता है खुद को। देखिए यूजली क्या होता है, जिसको मेन लीड मिल जाता है ना वो खुश हो जाता है कि बस अभी कुछ नहीं, पार्टी शूटिंग पार्टी पैसा ये वो। बट आपको मिल गया उसके बाद भी सीखते रहना है और करते रहना है, ये जानना जरूरी है। तो वो जानता है। दूसरी बात रही बच्ची मतलब ऑरा की, ऑरा सर वो कर देती है ना कि मैं नहीं कर पाता हूं। मतलब मैं कई बार सीखता हूं उसको देख के कि वो क्या किया उसने, कैसे वो इमोशन किया। देखिए अब ऑरा बच्ची है तो उसको थोड़ा प्रॉम्प्ट भी करना पड़ता है पीछे से शूटिंग, और कई बार उस चक्कर में हमें एक दो बार एक्स्ट्रा रीटेक्स भी करने पड़ते हैं, मतलब क्योंकि उसकी बहुत सारी लाइन्स होती हैं हमें नहीं याद होती, वो तो बच्ची है और ऐसा कुछ प्रायर एक्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बट शी इज अ नेचुरल परफॉर्मर। सर एक्टिंग में लाइन्स याद करना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक्टिंग में लाइन्स याद करना बहुत जरूरी है, ये एक भ्रांति है। एक्टिंग में परफॉर्म करना आना जरूरी है। लाइन चाहे प्रॉम्प्ट ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन सामने पता नहीं चलना चाहिए कि वो प्रॉम्प्ट हो रही है, इमोशन पहुंचने चाहिए करेक्ट। आप कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस एक्टिंग और मेथड एक्टिंग, कि भाई कुछ लोग होते हैं बहुत ही प्रॉपर, जब हम थिएटर में भी शो कर रहे होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो एकदम थोड़ी देर बैठ के ऐसे मेडिटेशन करते हैं, और कुछ होते हैं जो ऐसे मस्ती कर रहे होते हैं और करते करते सेट पे चले जाते हैं, और सेट पे जाके मतलब अब स्टेज पे चले जाते हैं और स्टेज पे जाते ही एकदम से कैरेक्टर बन जाते हैं, फिर वापस आते हैं नॉर्मल हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं बोलते नहीं यार हमें 10 मिनट यार जरा अकेलापन। गलत कुछ भी नहीं, दोनों अलग अलग तरीके। बेसिक चीज ये है कि आपका आउटकम जो है वो करेक्ट होना चाहिए। सो हाँ, आउटकम हैज टू बी करेक्ट ना, क्योंकि जो दिखने वाला है वो बिकने वाला है। हम कैसे कर रहे हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट रियली। वेरी ट्रू।